क्या खबर है बिहार में, आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरों की ओर। किशनगंज के बहुत चर्चित बाल मंदिर हर्षिता प्रकरण के मुख्य आरोपी वाइस प्रिंसिपल संजय शाह की जमानत याचिका सीजीएम ने खारिज कर दिया है। लगभग एक महीने से अधिक समय से मुख्य आरोपी किशनगंज की जेल में बंद है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की एक बैठक आयोजित हो रही है। इसमें भाग लेने के लिए बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी दिल्ली गए हुए हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बैठक में नीतीश कुमार बिहार को विशेष राज्य की दर्जा दिलाने का मांग उठाएंगे। चमकी बुखार से लगातार हो रहे मौतों का जायजा लेने के लिए राजद के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे मुजफ्फरपुर पहुंचे। बता दें कि चमकी बुखार से अब तक मुजफ्फरपुर में लगभग 7 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है और कई दर्जन बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं। मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार से हो रहे लगातार मौतों के विरोध में विकासशील इंसान पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री का पुतला दहन किया। कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार बीमारी को लेकर गंभीर नहीं है। बिहार के जूनियर डॉक्टरों ने अपना हड़ताल फिलहाल वापस ले लिया है। हालांकि काम पर लौटे जूनियर डॉक्टरों ने पश्चिम बंगाल के डॉक्टरों के साथ मारपीट करने वाले 50 आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की है और प्रदेश सरकार को सोमवार तक का अल्टीमेटम दिया है। मुजफ्फरपुर में बेखौफ अपराधियों ने एक व्यापारी को गोली मारकर 46,000 रुपए लूट लिए। फिलहाल पुलिस कुछ भी बताने से इनकार कर रही है और कह रही है कि हम मामले की तहकीकात कर रहे हैं। गोपालगंज में एक शराबी ससुर द्वारा अपने गर्भवती बहू की रट से हत्या करने का मामला प्रकाश में आया है। घटना कटेया थाना क्षेत्र के रूपी बघे टोले की है। वही हत्या से गुस्सा ग्रामीणों ने आरोपी की जमकर पिटाई कर दी। पिटाई से गंभीर रूप से घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। सुपौल में बाइक को बचाने के दौरान एक ऑटो पलट गई, जिसमें एक यात्री की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और दो यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना राघवपुर थाना क्षेत्र के सिमराही बाजार की है। कैमूर में प्रेम प्रसंग के एक मामले में बेटे की जगह माता पिता को पेड़ से बांधकर मारने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। हालांकि खबर सामने आने के बाद पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बिहार में गिरती कानून व्यवस्था को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार ने 17 IPS अधिकारियों का तबादला किया है।